Hey guys, good morning. Seriously बताऊँ ना, दिन का पता है ना रात का पता है, ऐसा लग रहा है रातें भी छोटी हो गई हैं, दिन भी छोटे हो गए हैं। और पता है मेरे को ना ऊपर शूट करना भी अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं तेज बोलता हूँ और बेबी उड़ जाता है। रोलर कोस्टर लाइफ जा रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। रात को शायद एक दो घंटे की नींद पूरी होती है, फिर दिन में कभी एक दो घंटे को सोने को मिल जाता है, समझ नहीं आ रहा। बट ठीक है, अच्छा भी लग रहा है, ये फेस एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आज एक बहुत बड़ा दिन है, आज हम बेबी का ना फेस रिवील करने वाले हैं, क्यूट को सबको दिखाने वाले हैं। उसका ना आज फोटो शूट है, पहला फोटो शूट, तो देखते हैं रिएक्ट कैसे करता है वो उस पे। वो फोटो शूट करने वाले जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं आपका भी फोटो शूट होगा, आपका और प्रेरणा का, और हम दोनों की हालत इतनी बेकार है। हमने कहा भाई देखते हैं, कुछ ना कुछ मैनेज करेंगे। बट हाँ, बेबी का शूट तो बहुत अच्छा कराएंगे, बहुत प्यारा, बहुत अच्छी अच्छी हमने थीम सोची हुई है, देखते हैं किस थीम में वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। चलो आपको साथ में ब्रेकफास्ट भी कराते हैं। ये देख रहे हो फ्रिज पूरा ओवर स्टॉक्ड है, बहुत सारा दूध खाना पीना सब कुछ है। हम पर खाएंगे ये खिचड़ी जो प्रेरणा ने कल बनवाई थी। अब मैंने कहा सुबह का ब्रेकफास्ट भी इससे ही करते हैं। मेरी खिचड़ी रेडी है। वैसे पता हो क्या रहा है, जो खाना प्रेरणा के लिए बन रहा ना मैं भी वही खा रहा हूँ, क्योंकि इसके खाने में इस बार मिर्चें नहीं डल रही, कोई फालतू के स्पाइसेस नहीं डल रहे, कोई फालतू के मसाले नहीं डल रहे, बहुत लाइट लाइट अच्छा अच्छा खाना खा रही है, हेल्दी वाला। तो मैंने सोचा मैं भी यही कर लेता हूँ, मैं भी यही ऑप्ट करता हूँ। बहुत स्पाइसेस खाते थे यार, आजकल अच्छा भी लग रहा है, पता है पेट को भी स्टमक को भी अच्छा लग रहा है। सही बता रहा हूँ मैं, जैसे पहले भी का बड़ा अच्छा फेस है। अब ना किसी पर्पस के लिए जगने में एक अलग ही आनंद है, पर हाँ एक्चुअल में जिंदगी तो चेंज हो गई है पूरी 360 डिग्री। बहुत ज्ञान पेल रहा हूँ, ऐसे करते हैं खाना खाता हूँ और फिर बेबी के शूट के लिए बंदे भी आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेटअप बनेंगे, तो अच्छा बड़ा दिन होने वाला है आज। ओए होए होए होए, झूठे मिल रहे हैं भाई। इसको ना मैं अभी गेमिंग रूम में लेके आया हूँ, सेलिना गोमेज को देखे जा रहा हूँ, मुंह टेढ़ा कर करके ऐसे ऐसे कर रहा है। इसकी मम्मी को पसंद है सेलिना गोमेज, तो उसको भी पसंद है। संभाल ले अपने पुत्र नू, इसकी तो दादी माँ लगी सेलिना गोमेज। कैसी बातें कर रहा है, हाय राम। अभी बस थोड़ी देर में आपको दीदार कराते हैं इसके चांद से मुखड़े का। हाय हाय हाय, देख देख खुद खुद टर्न हो रहा है कि मैं तो नहीं, मैं तो खुद दिखाऊंगा। मैं नहीं दिखाऊंगा अपना फेस। वेलकम होम। जेन्युइनली बता रही हूँ, सब कुछ बदल चुका है। ऐसा नहीं होता वो ए वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस जरा लौट पीछे। मैं तो कहती हूँ कि अभी ये वक्त यहीं पे रुक जाए और इस छोटू को, इतने छोटू से बेबी को ना, मतलब ऐसे ग्रो करते हुए देखना, ऐसे लग रहा है यार ये ऐसे ही तो ठीक है, ऐसे ही रहे हमेशा। मतलब रात को नींद नहीं आती तो हमने सोचा कि एक फोटोशूट तो बनता है यार, ये मेमोरीज हमेशा के लिए स्टोर करनी चाहिए। और क्योंकि आजकल ना मुझे ना हर्ष को टाइम मिल रहा है बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान देने का, अभी रिकवरी चल रही है, अभी भी बहुत वीकनेस है, वीक फील करते हैं। बस फर्क इतना है कि इस बार हम फोटोशूट नहीं करेंगे, हम वीडियो शूट नहीं करेंगे, मतलब हम तो व्लॉग करेंगे, बट फोटोज हमारी कैप्चर करने के लिए हमने प्रोफेशनल्स बुला लिए हैं एंड 3-4 थीम सिलेक्ट करी हैं, देखते हैं कौन सी थीम बेस्ट जाती है। ट्रैवलर का बेबी है तो ट्रैवलर वाली थीम तो होगी, और हैरी पॉटर लवर है तो हैरी भी होना चाहिए। अब सोचो और क्या क्या यूनिक थीम्स हो सकती हैं। क्रू आ चुका है, चलते हैं नीचे और देखते हैं आज क्या धमाल होने वाला है, कितना कोऑपरेट करता है हमारा जूनियर, कितने अच्छे से आराम से अपना शूट कराता है। मुझे वैसे ऑनेस्टली इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, पूरे टाइम करता रहता है। चलो देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन। A few moments later. बेबी शूट की तैयारी हो रही है, ऐश भैया आ गए हैं। भैया हमारे पास क्या क्या थीम है आज बेबी के लिए? प्लेन थीम है, फ्लोरल थीम है, हार्ट थीम है। यार हम है ट्रैवलर, तो ट्रैवलिंग वाली कोई थीम है? ट्रैवलिंग वाली ही है, फर्स्ट हम ट्रैवल पर ही कर रहे हैं। अच्छा फर्स्ट टाइम ट्रैवल वाली कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं बेबी को इस पे? बेबी को हम पूरा एक ट्रैवलर वाला कुछ लुक्स देंगे, कुछ फनी कैप्स, छोटा सा बेड है, देन कार्ड्स हैं। ओके, तो पहली थीम ट्रैवल वाली है, तो ट्रैवल बेबी बनने वाला है। बाकी वैसे मैं भी रेडी हूँ, प्रेरणा भी ऊपर रेडी है, बट बेबी रेडी नहीं है। वो रो रो के उसको पता है उसका शूट है तो वो रो ही जा रहा है। भैया कैसे संभाल लोगे ना बेबी को, कुछ ना कुछ हो जाएगा। प्रेरणा सेटअप रेडी हो गया, बेबी को लिया, प्लेन तो हमें दिख रहा है, आई थिंक यहाँ पे सिटीज कंट्री के नाम आएंगे और ये विलेजेस सारे, और ये उसका बेड हो जाएगा। सोते सोते ट्रैवल, कपड़े उतारते हुए रोने लग जाता है। अब इसको शूट के नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं। अपना फाइनली वो टाइम आ गया जब हम आपको लिटिल वॉन्डर से मिलाने वाले हैं, वो चांद सा मुखड़ा आप सब देखने वाले हो। मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और इतना अच्छा फोटो शूट हो रहा है ना इसका। मुझे ना बिलीव नहीं हो रहा कि इतने आराम से लेटा हुआ है। आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे हमारे इमोशंस। 6 दिन में पहली बार मैंने इसको इतना चुप देखा है। मैं आ जाऊं? नहीं 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 हर्ष प्लीज, मेरी आवाज से रोने लग जाता है। हर एक क्लिक के बाद रो रहा है। बुला दिया तूने? अभी जब तक तू नहीं आई थी तब तक शांत था, पता है कितना?
यार ये सही है यार, हर सीख ले कुछ तो सीख ले यार, पर कुछ सेकंड्स के लिए बताइए ये ट्रिक है यार। बैकड्रॉप बहुत अच्छा है, प्रॉपर ट्रैवल थीम है। पहले ट्रैवल थीम मैंने एक्चुअली में इसको ना पिछले 6 दिनों में इतना शांत आज पहली बार देखा है, तो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है ये वही सेम बच्चा है या नहीं। बट अभी शांति से बैठ गया है और मैं भी बहुत धीरे धीरे बोलना चाहती हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि ये डिस्टर्ब हो और फिर ये क्रैंकी हो, फिर इसका फोटोशूट बीच में रह जाए। तू ये देख रही है हर एक क्लिक के बाद वो रो रहा है, पर वो कितने आराम से उसको सेटल भी कर रहे हैं। अच्छा एक बात बता, फेस तो दिख गया, किस पे गया है? ऑब्वियसली आप बताओ। मेरे पे है, हर्ष पे। हम इतनी धीरे बोल रहे हैं, आज तक जिंदगी में इतनी धीरे हमने कभी वैसे भी नहीं बोला होगा। बड़ा अच्छा लग रहा है यार, तेरी बात है हमारा से शूट क्यों नहीं हुआ? यार हमारे टाइम में इतनी एडवांस एडवांस फोटोग्राफी नहीं होती थी ना, अभी तो हर चीज इतनी मस्त होती है, कैंडिड क्लिक्स और ये सब। मेरे पास ना मेरे बचपन की कोई भी फोटो नहीं पता है। मेरे पास तो है क्योंकि मेरे पापा का फोटो स्टूडियो होता था, पता है? सही में। ये भी एक स्टोरी है जो किसी को नहीं पता। नहीं नहीं। हाँ हाँ सच में मुझे एकदम से याद आया कि मिस्टर मलन का फोटो स्टूडियो होता था एक्चुअल में, इंसानों के बाद। तभी ये हुआ है इतने सालों बाद। और यार वैसे बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं ना, एकदम शांति से लिटा दो, हमें ना काम डाउन करना आता ही नहीं है, हमें बहुत चीजें सीखनी पड़ेगी। पेशेंस नहीं है ना, पेशेंस नहीं है तुझमें? अगर तुझमें पेशेंस हो तो वो रोए ना। लुक हूज टॉकिंग। मीनवाइल कितने आराम से सब करवा रहा है, नजर ना लगे, हाय कहीं उड़ जाए अभी रोना शुरू कर। यार ये जितने प्यार से इस बेड पे सो रहा है ना, मैं कह रही हूँ हर शूट के बाद ये बेड हम ही रख लेते हैं। ऐश भी आप हमारा कॉट ले जाना, ये बेड हमें दे देना, पक्का ना डन है? डील। कॉट दे देते, इतना बड़ा कॉट है, जगह भी ले रहा है, वो सोता भी नहीं उस पे, इस पे सोतो रहा है। शांति से होगी। चेंज ऑफ पोज, टेडी बेयर की तरह उठाना पड़ता है, सारे मजे इसके यार। यार वैसे हमेशा हमारा होता है, आज हम खाली बैठे हैं। सही मजे है भाई इसके। ये मुझे याद कर रहा है, बताया नींदों में? नहीं नहीं, वो बहुत देर से उठा हुआ था, मैंने उसको सुबह सोने नहीं दिया ज्यादा। ये जो हम देखते थे ना सारे इंस्टाग्राम पे रील्स और फोटो, हाँ ये सारी वही हो रही है, बताया? बहुत क्यूट है। अब पता लग रहा है कैसे होता था सेट? गुस्सा देखा यार, हमेशा ऐसा फेस बना के रखता है, इतनी गंभीरता से क्या देख रहा है। मेरी भी एक खिंचवा दे फोटो ऐसी। आएगी आएगी। अच्छा इस बेड पे? हाँ। पहले ऐसे पैर फोल्ड करके दिखा जैसे इसने करे हुए। इसी की ठीक है, दिल्ली में बर्फ पड़वा दी हमने, ये सारी बर्फ वापस पैक हो रही है, दिल्ली की बर्फ वो तो खत्म हो गई। पिना को पसंद आई? बहुत ब्यूटीफुल आई है। ये इतने गंदे एक्सप्रेशंस दे रहा है ना इस टाइम पे कि मुझे कहाँ फंसा दिया, क्या कर रहे हो मेरे साथ। देख रोने लगे। अभी इतनी देर से चुप था, तूने रुला दिया। ये नेक्स्ट थीम रेडी हो रही है, स्पाइडरमैन उड़ के दिखाएगा प्रेरणा फिर ये पापा। हाँ अभी सब कुछ बोल के दिखाएगा। ये मुझे देखता रहता है बड़ी घेर घूर घूर के, कह रहा कौन है इंसान, कौन है? कह रहा ऐसे भी लोग होते हैं, बाल देख रहे हैं मेरे, देखियो बेटे बाल है, पाइनएप्पल नहीं है। अच्छा 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 रोना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी धीरे। 1 2 3 4 5 6 9, 10. पहली थीम हो चुकी है, सेकंड थीम स्टार्ट करती है अभी। इसके बाद जो है वो नॉर्मल जो क्लोजअप वाले शॉट्स होते हैं वो लेंगे। और फाइनली बर्प आ चुका है। अभी इसका नाम भी जल्दी से रखना पड़ेगा क्योंकि अगर इसका नाम नहीं रखा तो फिर ये अपने आप को रिकॉग्नाइज कैसे करेगा जब हम इसे बुलाएंगे इसके नाम से। इसे पता ही नहीं होगा इसका नाम क्या है। अभी तो कुछ भी बोल देते हैं, बेबी, टिल्लू, पिल्लू, मिल्लू। प्लीज यार बस काका, अच्छे अच्छा नाम रखेंगे, कुछ गदर वाला नाम रखेंगे हम इसका। थीम रेडी है, चलो स्टार्ट करते हैं। अबे थीम रेडी है, बेबी तो रेडी नहीं है अभी। प्रिंस को तो सल्लू भाई बना दिया शर्टलेस, इसकी तो भी बॉडी भी नहीं है। सुपरमैन डन। प्रेरणा नेक्स्ट क्या है? यार प्रेरणा एक बात बता, हम इतनी हॉरर वीडियोस बनाते हैं, कोई वो वाली थीम नहीं है? हाँ सोचा तो मैंने भी यही था, पर अभी उसको पैदा तो होने थे बेचारे को। यार हो तो चुका है यार, वैसे ही मैंने इतनी हॉरर मूवीज दिखाई है इसको। तभी ये डरता नहीं है वैसे। वैसे सही बात है। अभी हाँ रात में नहीं डरता बिल्कुल भी ना। नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ते हुए अब हमने इसको दिल में बिठा दिया। दिल में तो ये ऑलरेडी बैठा हुआ है, अब बस फोटो में बिठा रहे हैं हम। एक और नया सेटअप हो गया। प्रेरणा फाइनली हमारी टर्न आ गई ना, हमारी फोटोज खींचेंगे अब। एक्चुअल में एक भी फोटो नहीं है, बताया इस बार हमारे पास। ये वाली थीम ना एक्चुअल में BTS वालों के लिए है, तो BTS लवर है ये प्रेरणा की तरह। एक्चुअली इसका कोरिया से रिश्ता भी कुछ अलग ही है, फर्स्ट 3 मंथ्स में कोरिया भी गए थे हम। हर्षिता डर रहा है यार अपना फोटो शूट कराते हुए, कैसा लग रहा है? डर लग रहा है। चलो फाइनली मेरी भी बारी आ गई है, अब मेरी भी फोटोज हो जाएंगी जूनियर के साथ। वैसे तो हर्ष बड़ा एंजॉय कर रहा था, मेरी भी फोटोज होंगी, पता है? स्माइल नहीं कर रहा, कह रहा किसके हाथों में आ गया मैं? हैरी पॉटर। तो मैंने ना ऐश को रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज थोड़ी सी ना हैरी पॉटर की फोटोज भी ले ले, क्योंकि हमारे पास स्काफ वगैरह सब कुछ पड़ा है, तो हमने एक्स्ट्रा करा लिया है थोड़ा सा। एंड यार बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं सीरियसली, एक एक फोटो एक एक वीडियो शॉट ऐसा लग रहा है अमेजिंग, मतलब जैसा मैं चाहती थी उससे भी बेटर है। मैंने कल ना हर्ष की सुनी नहीं एक भी, मैं बहुत बीमार थी वैसे, बाय द वे कल मेरे को टेम्परेचर था, मैंने ना बैठे बैठे इसका सेशन बुक करा दिया। मैंने कहा यार अब पता नहीं टाइम कब मिलेगा, एटलीस्ट हम फोटोशूट तो करा लें, अभी फिर बड़ा होता जाएगा, फिर इसके
कितने फेसेस बदलेंगे, सब कुछ होगा. मैंने कहा ये मोमेंट तो हमें प्रिजर्व करना चाहिए मेमोरी में, बट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सारी थीम्स इतनी अमेजिंग है यार, बड़ा मजा आ रहा है मुझे. मतलब ऐसे लग रहा है बचपन वापस आ गया. इसको ना सारी हैरी पॉटर की मूवीज दिखानी है बट 3 साल बाद. ठीक है, इसको टूर पे भी लेके जाएंगे, इसको वहां ले जाएंगे ना. यस, टैन होना चाहिए हैरी पॉटर का. नहीं होगा तो बना देंगे, बन जाएगा. जैसे तूने मुझे बनाया. हाँ जी, क्या लगता है कैसा रहा फोटोशूट? भाई फोटोशूट बहुत बढ़िया रहा, बहुत भूख लग रही है. आई थिंक मुझे अच्छा लगा, तुझे अच्छा लगा, इसको भी लगा. जब से फोटोशूट हुआ ना उसके बाद से सो रहा. इतने आराम से सो रहा है यार. यार एक ट्रिक क्या पता है? क्या? इसका ना रोज रात को 9-10 बजे फोटोशूट कर दिया कर. उसका ये थक के सो जाएगा, पूरी रात सोएगा और वाह हम भी आराम से सो सकते हैं. यार मैं बता रही हूँ ये भाई मॉडल बनेगा बड़ा होके, इसको मॉडलिंग का शौक है, तभी ये चुपचाप सो गया. इसको अपनी गोदी में रखो, ये करता रहता है वहाँ. वो बंदा तू गोदी में रखता है ना, इसलिए मैं करता. अबे वहाँ वो फोटोज खींच रहा है आराम से, हर एंगल में फोटो खिंचवाई है, लंबा लेट के कपड़े उतार के सलमान खान बन के. भाई हो क्या रहा है, तू क्या चाहता है? इसका नाम भी कर दे प्रेरणा, कोई नाम रख ले इसका. यार देखो बाकी सबने तो बता दिया बेबी किसके जैसा है, मेरे जैसा है, प्रेरणा जैसा है, या किसकी रिसेम्बलेंस ज्यादा है. आप लोग बताओ कॉमेंट्स में किसके जैसा है बेबी, मेरे फेस कट जैसा है या प्रेरणा जैसा है, बताओ कमेंट्स में. 3 hours later. ओ भाई माँ और बेटा कैसे सो रहे हैं, थक गए यार हैं? वो तो कुछ ज्यादा ही थका है फोटो खिंचवा के अपनी. प्रेरणा तुझे क्या हुआ है? साइलेंस. मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय.